नव वर्ष के उपलक्ष में देश के कोने कोने से कान्हा के भक्त कान्हा को रिझाने के लिए कान्हा की ही क्रीड़ा स्थली गोवर्धन धाम पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में आगरा के एक श्री श्याम सेवा समिति द्वारा विशाल छप्पन भोग का आयोजन किया गया। छप्पन भोग महोत्सव में गिरिराज महाराज को नाना प्रकार के जवाहर हाथ जैसे हीरे मोती पन्ना मणिक आदि रत्नों को धारण कर सजाया गया। वहीं शुद्ध गाय के दूध से निर्मित नाना प्रकार के छप्पन भोग गिरिराज महाराज के सम्मुख लगाए गए। इस अद्भुत छटा को देखने के लिए हजारों की संख्या में कान्हा के भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। गिरिराज महाराज के अद्भुत श्रृंगार और छप्पन भोग के दर्शन ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। गिरिराज महाराज के छप्पन भोग दर्शन करने आए श्रद्धालु पंडित रजत त्रिपाठी ने बताया कि आखिर छप्पन भोग का आयोजन क्यों और किस लिए किया जाता है। वहीं श्रद्धालुओं द्वारा गिरिराज महाराज की दिव्य आरती भी की गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम पचौरी है। मैं यहाँ पे परिक्रमा के लिए आई थी तो मैंने देखा कि छप्पन भोग का यहाँ पे आयोजन किया गया है। मुझे देख के बहुत क्या विशेष देखा है छप्पन भोग? यहाँ पे श्रृंगार बहुत अच्छा हो रहा था और यहाँ के जो अद्भुत जो लगे हुए हैं छप्पन भोग उनका हीरो जवाहरातों से जो उनका श्रृंगार हो रहा है उसे देख के मेरा मन खुश हो गया, मन प्रसन्न हो गया। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र कुमार बंसल है। मैं संरक्षक हूँ श्याम प्रभु सेवा समिति मासिक परिक्रमा। हर महीने हम लोग परिक्रमा लगाने के लिए आम पब्लिक को लेकर आते हैं। जो लोग परिक्रमा नहीं लगा पाते हैं उनको भी सुविधा हम प्रदत्त करते हैं। हर महीने वर्ष में एक दफ़े हम छप्पन भोग लगाते हैं। प्रभु के छप्पन भोग का महत्व बहुत विशाल है। जब आपको याद है कि जब देवता अप्रसन्न हुए थे तो उस समय बारिश दुनिया भर की हुई थी, इस बेस क्षेत्र में प्रकोप हुआ था इंद्र देवता का। उस समय यहाँ के आम पब्लिक की रक्षा करने के लिए प्रभु श्री कृष्ण ने ये गिरिराज पर्वत को अपनी उंगली पर उठा करके उनकी रक्षा की थी। उसी उपलक्ष्य में ये हर वर्ष छप्पन भोग का आयोजन किया जाता है हम लोगों के द्वारा और हम लगातार पब्लिक की सेवा करते हैं और निरंतर सेवा करते रहेंगे आगे भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीनू सिरोही है। मैं यहाँ गोवर्धन की परिक्रमा करने आई थी। मैंने देखा यहाँ छप्पन भोग का प्रोग्राम हो रहा है। मैंने अंदर आके देखा तो यहाँ पे नाना प्रकार के छप्पन भोग लग रहे हैं। हीरे मोती जवाहरातों से उनका गिरिराज जी का श्रृंगार हो रहा है। मैंने ऐसा अद्भुत नज़ारा अपनी आँखों से पहली बार देखा है। बहुत अच्छा लगा मन को, बहुत अच्छा प्रसन्नता हुई। सुभाष गुप्ता। गुप्ता जी बताइए कि आज छप्पन भोग किया जा रहा है। हाँ जी। क्या महत्व है छप्पन भोग? ही हम लोग जो है नए साल के उस उपलक्ष में कराते हैं और हर साल हमारा ये होता है श्री श्याम प्रभु सेवा समिति मासिक परिक्रमा के नाम से ही हम लोग हर महीने आते हैं और साल में एक बार इसका जो है आयोजन करते हैं। इसमें हम लोगों को सिर्फ बहुत मामूली सा चार्ज लेते हैं और उनकी पूरी सेवा करते हैं। रहने करने की सब व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था हम लोग पूरी हमारी समिति है सब लोगों की, वो लोग समिति वाले सब लोग मिलकर हम लोग करते हैं। विशेष क्या है छप्पन भोग में?